में वक्त हो गया है हमारी इस खास खबर का। इंसानों के रूप में दिखने वाले ये सब भेड़िये हैं, ये तो आपने सीरियल में देखा भी होगा और इन भेड़ियों का एक खाना पीना क्या होता है ये भी जान गए होंगे। जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना खाने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही भेड़ियों को जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत पड़ती है। वो खून पीते हैं तभी तो उन्हें ताकत आती है, उनकी एनर्जी बरकरार रहती है। अरमान, वीर और टीना, ये तीनों भी तो भेड़िए हैं। और आज जब टीना अरमान से कह रही है कि ले तू भी खून पी, तब न जाने क्यों उसे इस खून में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। वैसे आप सोचें कि बोतल में खून कैसे भरा है, ये बोतल में भरे खून की सप्लाई कहाँ से होती है, ये कहीं किसी अस्पताल से तो नहीं होती है। वैसे आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होता है और इस बोतल में एक खून नहीं बल्कि कोकम शरबत है, जिसे पीकर टीना एकदम तृप्त हो जा रही है। ये खून है, खून पी रही हो, टेस्ट करना है आपको? पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं, बट मैं तो कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोकम जूस है ये, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खून पीने से ही हम जिंदा रहते हैं भाई, जैसे इंसानों का खाना है वैसे हमारा खाना ये है। वैसे इन भेड़ियों के बीच में इन नागिन भी आई है डेरा डालने के लिए। अब वो क्या है ना, करण कुंद्रा का असली प्यार तो नागिन ही है। सीरियल में वैसे वीर इन दिनों ईशा पर दिल फेंक रहा है, तो वही अरमान भी पीछे नहीं है। अब सीरियल की कहानी में ईशा किसे मिलेगी, अरमान को या वीर को, ये तो ईशा ही तय करेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।